मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कैमला झड़प व तोड़फोड़ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कैमला गांव में जो कार्यक्रम रखा गया था वह आपसी भाईचारा खराब करने के लिए रखा गया था। ऐसे कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री किसान आंदोलन में भाग ले रहे लोगों को उकसाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यक्रमों से बचना चाहिए, क्योंकि अभी किसानों की बात सरकार के साथ होना लंबित है और आगे की तारीख रखी जा चुकी है। इसके बावजूद ऐसे कार्यक्रम सिर्फ लोगों को उकसाने के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने से भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। अगर अभय सिंह चौटाला सरकार के विरोध में वोट डालते तो किसान आंदोलन को समर्थन मिलता, परंतु अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालने से भारतीय जनता पार्टी को ही बल मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां कांग्रेसी नेता जीतराम कश्यप की पत्नी के निधन के उपरांत शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी किसानों को उकसाने का काम कर रही है। इस समय मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है कृषि कानूनों को लेकर। अभी मैंने देखा नहीं क्या एग्जैक्ट क्या ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। कोई भी बात कहने से पहले मैं पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखूंगा। लेकिन जो किसानों की जहाँ तक सवाल है, उनकी मांग है, उनकी बिल्कुल जायज मांग है और सरकार को स्वयं जो है ये वापस लेने चाहिए, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है जो कानून। कृषि का जो हुआ कैमला में, जो कुछ हुआ उसको लेकर कहेंगे सर? मैंने पहले भी कहा कि सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। जब 15 तारीख तय थी किसानों की और केंद्र सरकार की बात करने में, तो उसके बाद क्या जल्दी थी, उनकी इंतजार करनी चाहिए थी। और सरकार को टकराव किसान नहीं करना चाहिए इस टाइम, ये परिस्थिति गंभीर है। सर, तो आपको क्या लगता है सर, अगर ये कृषि कानून पर रोक लगा दी है तो किसानों को उठ जाना चाहिए वहाँ से? नहीं, मैं देखूंगा क्या आदेश। सर, 10 जनवरी को मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था क्यों कांग्रेस किसानों को उकसाने का काम कर रही है। क्यों किसान क्यों बैठे हैं सड़कों पे? किसने फैसले बनाए, ये किसने कानून बनाए? बीजेपी ने बनाए हैं। ये उकसाना काम तो बीजेपी कर रही है। जब इतनी परिस्थिति गंभीर है तो ऐसी स्थिति में ये बयान देना 15 तारीख को जब बैठे हैं कि भाई कानून वापस नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति में जनसभा करना, अभी देखो इंतजार करो, परिस्थिति गंभीर है। किसान लोगों ने चुन के भेजी हरियाणा सरकार, इनको यहाँ के लोगों का साथ देना चाहिए। गवर्नर से मिलने जाएंगे, यहाँ सभा करने की बजाय अगर दिल्ली में केंद्र सरकार पे अपना प्रभाव डाल के फैसला करवाएं। वो उन्होंने कल ये भी कहा है कि और अहिंसा के हिसाब से चला, ऐसा आंदोलन में कभी देखा नहीं है। तो उसको मतलब भड़काने का, उकसाने का कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो अराजकता में प्रदेश। अभय चौटाला ने इस्तीफा भी भेज दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा आज का बयान कोई सवाल ए और बी का सी का नहीं है। अविश्वास पत्र जो दिया हमने, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आएगा सेशन में, तो अगर कोई इस्तीफा देता है, एक वोट कम होती है, तो वो बीजेपी का फायदा करता है। पक नहीं थे मैच्योर, एक जो मुख्यमंत्री होता अगर वो इस मामले को मौके पर टाल देते और ना आते। किसानों का आक्रोश था, किसानों को आक्रोश के सामने बीजेपी कुछ लोग लाठियां भाले लेके जब आए तो नस्ली फिर ये होना स्वाभाविक था। पुलिस प्रशासन और सीआईडी पर भी सवाल उठे। देखिए, ये तो कहने की बात तो ठीक है, 5 जिलों की पुलिस लगी हो, सीआईडी हो, सारा अमला हो, पूरी हरियाणा सरकार हो, तो दूसरी तरफ किसान जो जिन्होंने कहा और वो कर दिखाया, इससे साफ नजर आता कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यही कहा कि सरकार फेल हो चुकी है, इसको मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। किसानों की प्रॉब्लम जितनी जल्दी सरकार हल कर दे उतना बढ़िया है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता को दुखी करके देश नहीं बचा करता। ये देश बर्बादी की तरफ चल रहा है। जब तक किसान आंदोलन चल रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है और जल्दी से जल्दी इसका हल काटे जाए, किसानों से बात करके इनकी सहमति से। कैमला घटना हमारे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है।
लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप एक कांग्रेस के नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने फैसले में और फैसले से पहले जो ऑब्जर्वेशंस की उसमें स्पष्ट रूप से था कि किसानों की मांगों के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने संवेदना दिखाई। सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये बुजुर्ग महिलाएं बच्चे ठंड में बैठे हैं, तो आपने क्या किया, क्यों नहीं इनसे डायलॉग की बात की? तो मैं, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, इन कानूनों को रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो किसानों की है, कह रहे हैं जो कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इस बात पर एक सुप्रीम कोर्ट की मोहर सी लग गई है। हालांकि अंतिम फैसला भी होगा, लेकिन रोक लगाना इटसेल्फ इस बात को दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रिशिएट किया है, इस बात को पहचाना है कि सरकार ने जो कानून बनाए वो गलत हैं और उनको या तो दोबारा विवेचना उन पर होनी चाहिए, उन पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि एक पैनल बनाया जाए और पैनल बना के दोबारा किसानों को पार्टी बना के किसानों की राय लेके इस कानून के संशोधन में या कानून को बदलने में या कानून को रद्द करने में बात करने की आगे बात बढ़ाई। इस चीज़ का तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, किसान की मांग है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। इससे कम वो 7 दौर 8 दौर की बात हो चुकी है, इससे कम बात पे वो माने नहीं। आज किसानों ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी रूह से वो अपनी जो उनकी संचालन समिति है उसमें बैठकर चर्चा होगी, फैसले का क्या स्वरूप है, फैसले के क्या परिणाम होंगे, सारी बात पर चर्चा होगी। लेकिन सरकार समझ नहीं आ रहा इतना जिद पर क्यों अड़ी है। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट का इतना सरकार को प्रताड़ित करने के बाद भी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। दोबारा भी बनाने हैं तो दोबारा बना सकती है, कौन रोक सकता है? सरकार नए स्वरूप में ला सकती, इनको वापस लेना चाहिए। और किसान इस बात पर अगर अड़े हैं, इतना जो 48 दिन से वहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, मर भी गए, इतनी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं लोग, तो उस बात का आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को देखते हुए सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर तुरंत कानून को रद्द कर देना चाहिए तीनों को, और किसानों से चर्चा करके दोबारा नए कानून की संरचना अगर करना चाहती है सरकार, करे। जिस दिन पूरा कैमले वाला घटनाक्रम हुआ उस दिन हरियाणा सरकार टकराव पर अड़ी हुई है। देखिए, जब किसान आंदोलन की राह पर थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कैमला गांव में कार्यक्रम रखा, उसका एक साफ संदेश था कि सरकार कन्फ्रंटेशन चाह रही थी, सरकार ऐसी राह पर चल पड़ी थी जो एक सरकार को नहीं चलना चाहिए। किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया, आज तक उसमें एक परसेंट भी कोई हिंसा नहीं हुई, कोई शाब्दिक हिंसा को भी नहीं देखा हमने। ऐसी परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर का ये जिद करना कि मैं अगर महापंचायत कर रहे थे तो बुलाते, इनसे ही जो आंदोलन पर बैठे हैं उनसे ही बात क्यों नहीं कर लेते आप महापंचायत कर, और वहाँ पर गांव के लोगों को लाठियाँ देकर उन्होंने जिस प्रकार हिंसा भड़काने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद हिंसा को भड़काने में या जो कुछ भी हुआ है इसके लिए स्वयं सरकार और भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग जिम्मेवार हैं। रखनी नहीं चाहिए थी, कन्फ्रंटेशन नहीं पैदा करनी थी, सरकार को समझना चाहिए था, किसान नहीं चाहते। और फिर महापंचायत किसके साथ रख रहे हो? आंदोलन तो किसान कर रहे हैं, आप एक बंद कमरे में पंचायत कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। इन्हीं से बात कर लो ना। बसाड़ा टोल पर बैठे थे, मुख्यमंत्री आते कहते हैं मैं आ गया आपके बीच में, बोलो क्या प्रॉब्लम है। इनसे तो बात करते नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी पंचायत बनाना चाहते, तमाशा बनाया, उकसाने का काम कर रही है, उकसाने का काम कर। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि कांग्रेस के नेता उकसाने का काम कर रहे हैं। भारतीय, मेरा ये बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने के लिए, भ्रमित करने के लिए, इसका रास्ता बदलने के लिए इस प्रकार की चाल चल रहे हैं कि ये कहीं हिंसक हो जाए, तो ये टकराने की परिस्थिति जो बन रही है, उकसाने की परिस्थिति जो बन रही है, सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। कोई ऐसा वायलेंस तो हुआ नहीं?
जो कुछ भी वहाँ पर केस दर्ज किए हैं, हम तो इन केसेस को फेस करेंगे, इनके साथ खड़े हैं किसानों। दुष्यंत चौटाला को किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल उनका कोई बयान नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। किसानों पर जब लाठीचार्ज उन्होंने कहा हुआ था पीपली में, तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल 900 किसानों पर केस दर्ज हो गया है। दुष्यंत चौटाला के बारे में मैं कोई कमेंट करूँ, उससे पहले आज माननीय विधायक अभय चौटाला जी का बयान छपा है, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये हमारे परिवार पर, मेरा ये चाचा रंजीत सिंह और ये कलंक है, देवीलाल जी के नाम पर कलंक हैं ये लोग। तो जब उनके परिवार के लोग कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, तो मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा, उनको खुद नहीं पता। जो लोग किसानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज होने का दावा करें, और आज किसानों पर लाठियाँ उठ चल रही हैं, किसानों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, और वो लोग चुप बैठे हैं। ठीक, बड़ी मुश्किल से राज में साझा मिला है, राज की खाज मिटा रहे हैं। सर, अभय चौटाला का इस्तीफा की बात हो रही है सर? अभय चौटाला का इस्तीफा नाटक है। अभय चौटाला अगर सरकार के खिलाफ है तो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, सरकार को गिराने में हमारा सहयोग दें, वो तो सरकार की मदद कर रहे हैं, एक वोट घट जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.